आज पूरे देश में मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश भी लोग मोटापे से काफ़ी परेशान है और स्वस्थ और फिट हर कोई रहना चाहता है। ज़्यादातर लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे अपना वज़न घटाने का सफ़र शुरू तो कर देते हैं। हालांकि यह सही रवैया नहीं है, क्योंकि वज़न घटाने के लिए आपको कैलोरी जलाने के लिए नियमित व्यायाम के साथ साथ एक स्वस्थ आहार का पालन करना बहुत ज़रूरी है। चर्बी को कम करने का प्रमुख पहलू आहार नियंत्रण है। अक्सर यह देखा गया है कि मोटापे से ग्रस्त लोग वजन बढ़ने पर तुरंत जिम ज्वाइन कर लेते हैं और वजन घटाने के लिए खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मोटापा कम नहीं होता। आप जानते हैं वजन घटाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी डाइट सही ना होना। जिम में ट्रेनर भी लोगों को व्यायाम करने के साथ साथ अपनी डाइट को सही रखने की सलाह देते हैं, इसलिए यहाँ मोटापा कम करने के लिए डाइट प्लान की भी जानकारी दी जाती है। आज हम ऐसी ही डाइट के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप भी इस डाइट को जरूर फॉलो करें और कुछ ही दिनों में आपको भी असर देखने को मिल जाएगा। मोटापे पे काबू पाने के लिए एक तो समय से भोजन किया जाए, और भोजन हम कैसा खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो निर्भर करता है मोटापे के लिए। तो मोटापे के लिए सबसे ज़्यादा एक तो हमें फाइबर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें जैसे सलाद है या वेजिटेबल्स हैं वो तलने की जगह बॉयल्ड यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत हद तक फायदेमंद रहती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद कर देते हैं कि ठंड है तो ठंड में क्या करें, तो घर पे ही हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज, योगा या ब्रिस्क वॉक जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो घर पे ही वॉक कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही लीन वॉक करें। आधा घंटा वॉक करने से बहुत ज़्यादा जो है हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। मैम, काबू पाया जा सकता है? मोटापे पे काबू पाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, बट पानी की इनटेक अगर हम जितना हमारा बॉडी वेट है, मान लो किसी पेशेंट का वेट या किसी आदमी का वेट 80 किलो है, तो उसको लगभग 8 से 10 गिलास जो है वो दिन में पानी के लेने पड़ते हैं।